हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आपको कैनन की एडवांस की 4245 सीरीज की मशीन में सॉल्डर यूनिट को इंस्टॉल करना दिखाऊंगा। जैसे कि अभी हमारे पास ये कैनन की 4245 सीरीज की मशीन है। अभी इसमें हमारे पास प्लेन कवर है, जो आउटपुट ट्रे आप देख पा रहे हो अभी यहाँ पर, ये भी प्लेन कवर है, इसको प्लेन कवर बोलते हैं। तो अभी हमें इसको रिमूव करके इसमें सॉल्डर यूनिट को इंस्टॉल करना है, जिससे कि हमारे जो फोटोकॉपी है वो सेट बाई सेट और स्टेपलर होकर निकलेगी। तो सॉल्डर यूनिट मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी यहाँ पे सॉल्डर यूनिट रखी हुई है। तो इस सॉल्डर यूनिट को हमको इसमें यहाँ इंस्टॉल करना है। तो चलिए ये कैसे इंस्टॉल करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमें सबसे पहले इसका फ्रंट कवर ओपन करना होगा। फ्रंट कवर ओपन करने के बाद हमें इसका जो प्लेन कवर है इसको पूरी तरह से रिमूव करना होगा। फर्स्ट इसका जो बाहर वाला पार्ट है इसको हम ज़रा सा आगे की तरफ खींचेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इसको हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद हमें इसका ये वाला कवर खोलना है और साथ ही साथ ये भी खोलना है। इसको तो आप हल्का सा बाहर खींचोगे हिला के तो ये बाहर आ जाएगा। इसको भी हम यहाँ साइड से रख देते हैं। उसके बाद हमें इस कवर को रिमूव करने के लिए कुछ नट हैं यहाँ पे, वो ओपन करने पड़ेंगे। जैसे कि एक नट ये यहाँ लगा हुआ है तो इस नट को हमें यहाँ से ओपन करना पड़ेगा। और मैं आपको ये नट ओपन करके दिखाता हूँ। इस नट को रिमूव करने के बाद हमें यहाँ पे लगे हुए कुछ कवर को भी रिमूव करना पड़ेगा। जैसे कि एक कवर यहाँ पे लगा हुआ सामने, हमें उस नट को भी खोलना पड़ेगा। और एक ये वाला जो कवर है इसमें नट एक अंदर लगा हुआ है, यहाँ जो ये कवर रिमूव होगा वो तब देखने लगेगा। जैसे कि अभी हम इसको सिंपली थोड़ा सा मूव करेंगे तो ये हमारा बाहर की तरफ आ जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये हमारी जो आउटपुट ट्रे है वो बाहर आ चुकी है। उसके बाद कुछ मशीन ऐसी दिखेगी आपको। उसके बाद हमें सिंपली सामने लगे हुए ये कवर को रिमूव करना पड़ेगा। इसको रिमूव करने के लिए पहले हमें इसको खोलना पड़ेगा। ये नट ओपन करने के बाद हमें इसको हल्के हाथ से बाहर निकाल लेना है। आप इसको बाहर निकालोगे वैसे इसके नीचे का सपोर्टिंग कवर है वो भी बाहर आ जाएगा। उसके बाद हमें इस वाली कवर को भी बाहर निकालना पड़ेगा, जो कि हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको बाहर निकाल लेंगे। ये नट खोलने के बाद हमें इसको सिंपली बाहर निकाल लेना है और साइड में रख देना है। अब इसके बाद हमें सॉल्डर यूनिट के साथ एक यहाँ लगती है, एक पत्ती लगती है, वो पहले लगाना पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको वो पत्ती दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए ये पत्ती है जो हमें पहले यहाँ इंस्टॉल करनी पड़ेगी। इसके जो लॉक हैं ये दो आप देख पा रहे हो सामने, वो होल हैं, वहाँ जाके इंस्टॉल हो जाएंगे, आसानी से वहाँ जाके लग जाएगी। तो दोस्तों ये जो पत्ती है वो हमने यहाँ फिट कर ली है। उसके बाद हमें एक स्क्रू यहाँ पे लगाना होगा, तो चलिए वो स्क्रू हम लगा लेते हैं। दोस्तों ये नट हमने यहाँ लगा लिया है। अब इस नट को लगाने के बाद हमें यहाँ सॉल्डर यूनिट को रखना होगा उठा के। उससे पहले दोस्तों हमें साइड के जो कवर हैं फ्रंट डोर के ये वाले,
ये और ये कवर है, इनको खोलना पड़ेगा। इनको खोलने के लिए हमें साइड डोर को ओपन करना पड़ेगा। साइड डोर को ओपन करने के बाद यहाँ हमें लगे हुए हैं दो बटन हैं, यहाँ दो स्क्रू हैं, एक ये वाला है, एक ये वाला है। इनको रिमूव करना पड़ेगा, तो चलिए हम इनको रिमूव कर लेते हैं। ये दोनों नट ओपन करने के बाद हमें सिंपली अपने कवर को इसको बाहर निकाल लेना होगा। इसके बाद हमें ये वाला कवर है ये भी बाहर निकाल लेना है। इनको बाहर निकालने के बाद हमें जो सॉल्डर यूनिट के जो कनेक्शन हैं वो इन दोनों में अटैच करना पड़ेंगे। तो ये हमने ओपन कर लिया है, तो उसके बाद हम अपनी जो सॉल्डर यूनिट है, स्टेपलर यूनिट भी बोलते हैं इसको, यहाँ पर रखना होगा। तो चलिए मैं इसको अच्छे से रख लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये सॉल्डर यूनिट है, मैंने अभी इसको आधी इस पर रखा है उठा के। इसको सिंपली आप यहाँ से पकड़ के और इस जगह से पकड़ के इसको सिंपली कुछ नहीं करना है। ये जो पत्ती है इस जगह, ये आप देख पा रहे हो यहाँ ये फिट हो गई है। ये उसके जो लोहे का लॉक है ये वाला, ये इस पत्ती पे आके रख जाएगा। यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ से रखना है आपको, और फिर इसको कुछ नहीं करना, सिंपली अंदर को पुश करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी सॉल्डर यूनिट इस पे रखी हुई है, तो इसको हमें हल्का सा अंदर प्रेस करना है, तो ये पूरी अंदर चली जाएगी। देखिए ये हमारी यहाँ पूरी अंदर चली गई है। उसके बाद ये जो कनेक्शन है, ये वाले कनेक्शन हमें यहाँ अपनी सॉल्डर यूनिट के कनेक्शन यहाँ पे लगा देना है। ये वाइट वाला वाइट में लगेगा और ये पिंक वाला यहाँ ब्लू में जाके कनेक्ट होगा। तो मैं इनको लगा देता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ। तो ये कनेक्शन हमने यहाँ पे लगा लिए हैं। इस कनेक्शन को लगाने के बाद हमें यहाँ हमारा सॉल्डर यूनिट भी, देखिए आप अच्छे से यहाँ फिट हो गया है। अब इस सॉल्डर यूनिट को फिट करने के बाद हमें यहाँ कुछ नट हैं वो लगाने पड़ेंगे, और सॉल्डर यूनिट के साथ में ही कुछ लॉक भी आते हैं। एक लॉक जो यहाँ फिट होगा और एक स्क्रू है वो यहाँ भी लगेगा। उसके बाद एक लॉक होता है वो ये पत्ती आती है वो यहाँ और इस रोल में कनेक्ट होती है। ये अभी यहाँ अच्छे से फिट नहीं हुआ है, तो इसको हल्का सा ऊपर उठा के अंदर की तरफ प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको हल्का सा उठा के अंदर प्रेस करोगे तो ये हमारे होल्स हैं जो मैच हो जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ सिंपली इसके नट हैं वो लगा देना है। एक नट यहाँ लगेगा और एक लॉक लग के एक नट यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है वो लॉक जो हमें यहाँ लगाना है, जिससे कि हमारी सॉल्डर यूनिट हिलती नहीं है। तो इसको लगाने का तरीका है कि इसको हमें जो ये मोटा सा आपको दिख रहा है पाइप, इसको हमें इस होल में अटैच करना है। आप इसको हल्का सा ऊपर उठाओगे तो ये फिट हो जाएगी इसमें। उसके बाद हमें यहाँ पे नट लगा देना है और एक नट यहाँ पे भी लगाना है। उसके बाद एक लॉक होता है वो जो यहाँ जाके कनेक्ट होता है, वो ये कुछ इस तरह का होता है। इसको अंदर से ऐसे डालेंगे जो कि यहाँ आ जाएगा, जो यहाँ कनेक्ट होगा। मैं आपको इनमें स्क्रू लगा के दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे एक स्क्रू लगा दिया है और इस पत्ती में दो स्क्रू लगेंगे, एक ऊपर एक नीचे। उसके बाद ये जो लॉक है प्लास्टिक का है वो हमारा यहाँ जाके फिट होगा। इसको आप सिंपली यहाँ ऐसे रख दोगे तो ये यहाँ जाके फिट हो जाएगा, और इसके अंदर हमें भी एक स्क्रू लगाना होगा। तो मैं स्क्रू लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये हमने इसमें स्क्रू लगा दिया है, उसके बाद सिंपली हमें इसे बंद कर देना है। बंद करने के बाद लगभग ये हमारी इंस्टॉल हो चुकी है फिक्सिंग यूनिट।
सॉरी सॉर्टर यूनिट। उसके बाद हमें यहाँ पे ये कवर है इनको क्लोज़ कर देना है, और ये भी ढक्कन है इसको भी लगा देना है। उसके बाद हम मशीन स्टार्ट करके देखते हैं कि ये अच्छे से काम कर रही है या नहीं। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये कवर बिना लगाए ही अगर मशीन चेक करना चाहते हैं, जैसे कि ये कवर खुला हुआ है और ये भी खुला हुआ है, तो भी आप मशीन स्टार्ट करके चेक कर सकते हैं कि हमारी फिक्सिंग जो सॉल्डर यूनिट है वो सही से वर्क कर रही है या नहीं। चलिए मैं इसका प्लग लगा देता हूँ। मैंने इसका जो प्लग इसमें लगा दिया है और मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ। मैं मशीन मैंने स्टार्ट कर दी है। मैं इसका फ्रंट डोर क्लोज कर देता हूँ। फ्रंट डोर मैंने इसका क्लोज़ कर दिया है और ये साइड डोर भी ओपन है। तो ये साइड डोर भी मैंने इसका ओपन था, क्लोज कर दिया है। देखिए ये सॉर्टर यूनिट है, मूव करने लगी है। इसका मतलब है कि हमारी जो स्टेपलर यूनिट है वो अच्छे से इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। बाकी जो फोटोकॉपी है वो भी मैं आपको एक दो निकाल के दिखा देता हूँ इसमें। तो दोस्तों, ये कुछ बनसाइड पेपर है मेरे पास जिनको मैं ट्रे में इंस्टॉल कर देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं आपको फोटोकॉपी करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमारी जो सॉर्टर यूनिट है वो काम करती है और अच्छे से इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई है, वो भी हमें पता चल जाएगा। मशीन तो हमारी ऑलमोस्ट स्टार्ट ही हो गई है। ये है एक डॉक्यूमेंट जो मैं आपको फोटोकॉपी करके दिखा देता हूँ। ये है ADF से हमने अपने डॉक्यूमेंट को डाला। ये ग्रीन बत्ती जल गई है, इसका मतलब हमारा डॉक्यूमेंट स्कैन होने के लिए रेडी है। अभी जिस ट्रे में हमने अपने वन साइड पेपर इंस्टॉल किए हैं वो सेकंड नंबर ट्रे है। इसको सिलेक्ट करके सिंपली ओके करना है, और हमने चार पेपर इंस्टॉल किए हैं इसमें, तो सिंपली चार कॉपी हम करेंगे और आगे पीछे करके देख लेते हैं। ये मैंने इसको प्रेस किया, ये हमारा डॉक्यूमेंट अंदर गया। ये हमारी सॉर्टर यूनिट है, इसको आप खींच के थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं डोर को। दोस्तों, डॉक्यूमेंट हमारा बाहर आ गया है, इसका मतलब कि हमारी सॉर्टर यूनिट है वो अच्छे से इसमें इंस्टॉल हो चुकी है। तो दोस्तों, ये हमारी सॉर्टर यूनिट अच्छे से इंस्टॉल हो चुकी है और ये हमने कॉपी भी निकाल के देख ली है। तो बाकी के अब आप चाहें तो ये वाले कवर आप आसानी से लगा सकते हैं, और ये साइड कवर हैं इनको भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।